मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। दिवाली आने वाली है और सभी के घर में दही बड़े तो ज़रूर बनते हैं। आज मैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फ्लफी उड़द दाल के दही बड़े बनाने वाली हूँ। आप मेरी रेसिपीज़ को स्टेप बाई स्टेप देखिए तो आपके भी दही बड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे बिना किसी मीठा सोडा या कुछ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको आपके भी जो वड़े बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और हमें मीठा सोडा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने एक कटोरी इस कटोरी से एक कटोरी उड़द दाल 5-6 घंटे पहले अच्छे से धो के भिगा दी थी। अच्छे से हमारी दाल एकदम भीग चुकी है और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे और हम ग्राइंड करने के लिए एकदम पानी यूज़ नहीं करेंगे। हमने दाल को बिना पानी डाले दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसे बहुत अच्छे से बीट करेंगे ताकि हमारे जो वड़े बने वो अच्छे फ्लफी बने। हमने दाल को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। देखिए कैसे फ्लफी लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एकदम रेडी है दही बड़े बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है, अब मैं इसको पानी में डाल दूँगी। अब ये देखिए ये ऊपर उठ के तैरने लगा है, इसका मतलब हमारी दाल एकदम फ्लफी हो चुकी है। अब बैटर में हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हम अपने वड़ों को तलना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले हम अपना छाछ तैयार करेंगे। हम गैस ऑन करेंगे और छाछ के लिए तड़का तैयार करेंगे। मैंने 1 चम्मच के करीब तेल ले लिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हमें हींग को जलाना नहीं है, अब हम इसे अपनी छाछ में डाल देंगे। छाछ में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब एक तरफ हम अपनी तेल गरम होने के लिए रख देंगे और फिर हम अपने बैटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। नमक सबसे लास्ट में डालेंगे नहीं तो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। और अब इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट देंगे। अब हमारा तेल हो गया है, हम इसमें अपने वड़े डालेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। लो मीडियम फ्लेम पे हम अपने वड़ों को बहुत अच्छे से तलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट इसे हम छाछ में डालेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे बड़े हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट होंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। हमारे बड़े एकदम सुनहरे हो चुके हैं। अब हम इसे छाछ में डाल देंगे। अगर आप छाछ यूज़ नहीं करना चाहते तो गुनगुने गर्म पानी में आप हींग और नमक डाल के आप उसमें भी अपने वड़े डाल सकते हैं। इस तरीके से अब हम बाकी वड़े अपने तल लेते हैं। हमारे सॉफ्ट और फ्लफी दही बड़े एकदम रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमारे दही बड़े एकदम रेडी हैं, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम बाकी सामान डालते हैं। तो मैंने इसमें दही फेंट के रख लिया था तो इसको हम वड़ों के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा एकदम हम काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे। ये मैंने जीरा और अजवाइन को भून के पाउडर बना लिया था, थोड़ा सा हम ये डालेंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब लास्ट में हम खजूर की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, इमली खजूर की चटनी, और थोड़ी सी धनिया पत्ते से हम डेकोरेट करेंगे।
एंड दिख रहे हैं ना एकदम यमी से, और ये एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं दही बड़े। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपके दही बड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।